फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर हमारा है 7 है ड्राइंग, या फिर यूनिट नंबर 3 की बात करें तो ड्राइंग है, और ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर पर भी हमारे हैं। तो ड्राइंग इक्विपमेंट्स की बात कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, स्प्रे ड्रायर पढ़ लिया था और ट्रे ड्रायर पढ़ लिया। आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं एफबीडी के बारे में, इसको फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर कहते हैं। फ्लूडाइज्ड क्यों कहते हैं, इसमें फ्लूइड की एंट्री करते हैं, गैस की एंट्री करते हैं, और उसी के द्वारा इसको हम पूरी तरह से सही करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके प्रिंसिपल में कि मान लीजिए कोई पार्टिकल, इसको आप समझिए कि एक हमारा कोई सॉलिड पार्टिकल है जो गीला है, इसको हम नीचे से हाई वेलोसिटी के साथ जब हम इसको प्रेशर देते हैं, वेलोसिटी देते हैं, ये पार्टिकल ऊपर उठता है। क्या होता है, ऊपर, क्योंकि जब पार्टिकल ऊपर उठ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है और पीछे से गैस इसको ठेल रही है। अब ये क्या करेगा, ये पार्टिकल की क्योंकि ग्रेविटी के कारण ये पार्टिकल नीचे आने का प्रयास करेगा, भाई ऊपर गया है तो नीचे आने का भी प्रयास करेगा, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी जो इसका जो नीचे आने की वेलोसिटी है वो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी कहलाती है या सेटलिंग वेलोसिटी कहलाती है, और नीचे का जो तेज हवा है वो हमारा प्रेशर है। तो अगर नीचे वाला वेलोसिटी ज्यादा है तो ये नीचे आ ही नहीं पाएगा, ये ऊपर ही टिका रहेगा, ठीक है ना। इसको समझो कैसे, जैसे आपके पास आता था खेलने वाला, आप मुंह रखते थे फूकते थे तो बैलून उठता था, और जितनी देर फूक रहे बैलून ऊपर रहता था, जब छोड़ते तो बैलून नीचे आता था, क्यों, क्योंकि जो नीचे वाली वेलोसिटी है उसके सेटलिंग वेलोसिटी से ज्यादा था। इसका प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड होता है कि हमको उस वेलोसिटी पे एयर पास करनी है जो पार्टिकल के सेटलिंग वेलोसिटी से ज्यादा हो। जब सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगा तो पार्टिकल ज्यादा देर तक हवा में रहेगा, समझ आ रहा है, पार्टिकल ज्यादा देर तक हवा में रहेगा। और जब पार्टिकल हवा में रहेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल यहां पे रखा है तो इसको केवल ऊपर से तीन तरफ से हीट मिल सकती है, लेकिन अगर कोई पार्टिकल हवा में है तो उसको चारों तरफ क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। क्योंकि इसका एक फायदा है कि पार्टिकल जब एयर में होता है तो एयर में उसको चारों तरफ से यूनिफॉर्मली क्या मिलती है, ड्राई एयर मिलती है, और वो चारों तरफ से अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, मतलब मॉइस्चर को एयर, और हमारा पार्टिकल सूख। इसका प्रिंसिपल पूरी तरह से इसी बेस्ड है कि हमको एयर वेलोसिटी होती है वो सेटलिंग वेलोसिटी से ज्यादा रखनी होती है ताकि पार्टिकल सस्पेंडेड रहे एयर में। जब सस्पेंडेड रहेगा एयर में चारों तरफ से यूनिफॉर्मली सूखेगा, और सूख जाएगा तो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन एक बड़ा सा कैबिनेट है, इसके स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये 10 से 12 फुट, 15 फुट, 16 फुट, 20 फुट की ऊंचाई के अलग अलग आते हैं, और इसमें करीब 5 किलो की कैपेसिटी से लेकर 200 किलो कैपेसिटी तक के मटेरियल को ड्राई किया जा सकता है, जैसे साइज घटता बढ़ता रहेगा उसी बेसिस पर होता है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल होता है एफबीडी, एक हॉरिजॉन्टल एफबीडी होता है। तो हम यहाँ पे वर्टिकल एफबीडी डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्टिकल एफबीडी कैसा होता है। तो एक लंबा सा चैम्बर होता है जो किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का। इसके नीचे क्या होता है, एक चैम्बर होता है, इसको होता है डिटैचेबल चैम्बर, ये एक ट्रॉली की तरह होता है, ये ट्रॉली की तरह बाहर अंदर डालो और ट्रॉली की तरह बाहर निकालो। तो डिटैचेबल चैम्बर क्या होता है, इसको ट्रॉली की तरह बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर पूरा मटेरियल भर देते हैं, ट्रॉली की तरह बाहर निकलता है, इसको भर देते हैं, और इसके अंदर ऊपर जो होते हैं ये परफोरेटेड एयर मेसरी तार से बना जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है, एकदम बंद नहीं होता, जाली नुमा होती है क्योंकि जब नीचे से हवा पास करेंगे तो जाली सी तो हवा ऊपर जाएगी, पूरी तरह से फैल जाएगा तो हवा बाहर जाएगी नहीं, जाली नुमा संरचना होती है, और इसके अंदर मटेरियल भरते हैं और इसको दोबारा हम इसके अंदर मशीन के अंदर सेट करके डाल करके हुक को हम बंद कर सकते हैं। आगे बात की जाए तो इसके अंदर हीटर्स लगे होते हैं, हीटर्स देखिए यहाँ पे एयर हीटर्स कई जगह पे लगे होते हैं, जो हवा उड़ेगी तो ये पूरी तरफ से हीट करेगा, क्योंकि इसका लंबाई बहुत ज्यादा होती है तो केवल नीचे हीटर लगाने से ऊपर तक हीट नहीं जाएगा, इसलिए चारों तरफ यहाँ पे एयर हीटर्स लगे होते हैं, और इनके अंदर एयर बैग्स होते हैं। आप एयर बैग्स जानते क्या होते हैं, जैसे अभी आप कभी चक्की में गए होंगे आटा गेहूँ पिसाने, तो वहाँ क्या होता है कि जब वो डालता है तो एक पतला सा कपड़े का टिकला होता है जिसमें आटा इकट्ठा करता है, फिर आपके बोली पर अड़ देता है, वो एयर बैग है ना। उसी तरह से इसमें इस चैम्बर के ऊपर कुछ बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे एयर बैग्स होते हैं, ठीक है, ऐसी मोटाई के 3-4 एयर बैग होते हैं। तो एयर बैग्स लगे होते हैं, हीटर्स लगे होते हैं, ऊपर एक फैन लगा होता है जो एयर को पूरी तरह से सर्कुलेट करता है कि एक ही जगह पे एयर ना रहे, पूरी तरह से सर्कुलेट हो जाए। इसका कंस्ट्रक्शन, अब इसकी वर्किंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग पे अगर हम आ जाए तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने एयर कंटेनर निकाला, कंटेनर के अंदर पूरा मटेरियल लोड कर दिया जिसको हमको ड्राई करना, लोड करने के बाद कंटेनर को मशीन खोल के हमने अंदर सेट कर दिया, इसके अंदर जाके इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम यहाँ से एयर जो होता है पास करेंगे विद वेरी हाई वेलोसिटी, तो एयर ऐसे जाएगा, हीटर में गर्म होगा और ऊपर उठेगा। जब ये एयर ऊपर उठेगा तो जो पार्टिकल्स इसके ऊपर बैठे हुए हैं ये पार्टिकल उड़ने लगेंगे,
और उड़ के कहां जाएंगे, अपने अपने एयर बैग्स में। एक हमने तीन दिखाया है, बहुत सारे एयर बैग्स होते हैं छोटे छोटे, तो उसी एयर बैग्स में पार्टिकल, और ये एयर बैग ऐसे पचका फूल पर पचका रहेगा, लेकिन जैसे हवा पाएगा फूल गुब्बारे की तरह उड़ जाएगा। ऐसे नॉर्मल केस में ये एयर बैग कपड़े का बना होता है, ये कपड़े का एयर बैग नीचे बैठा रहेगा, लेकिन जैसे आप चक्की में जाते होंगे तो चक्की नहीं चल रही है तो एयर बैग पचका रहता है, और जैसे चक्की चलती है एयर बैग खुल जाता है। तो ये एयर बैग में पार्टिकल उड़ेंगे और ये पार्टिकल तैरते रहेंगे। कब तक तैरेंगे, जब तक पूरी तरह से ड्राई नहीं, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है तो ये जाने की वेलोसिटी है और ये सेटलिंग वेलोसिटी है, तो सेटलिंग वेलोसिटी से वेलोसिटी ज्यादा होती है तो पार्टिकल काफी देर तक एयर में इसी एयर बैग के अंदर उड़ते रहते हैं। जब उड़ते रहते हैं तो चारों तरफ से एयर इनको मिल रही है, ये ड्राई हो जाते हैं, और कुछ देर बाद 15-20 मिनट बाद हम लोग क्या करते हैं, मशीन को बंद कर देते हैं। जैसे ही मशीन बंद करते हैं एयर जाना बंद होती है, सारे पार्टिकल धीरे धीरे आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसके एयर बैग्स कपड़े के आसपास चिपक जाते हैं, तो उसको हम सेक करके हिला करके झाड़ करके इसके अंदर गिरा लेते हैं, फिर मशीन खोलेंगे इसको बाहर खींच लेंगे, मटेरियल पटक हमारा मटेरियल जो था वो फिर से इसको खेल निकालेंगे बाहर रिटेचल कंटेनर को, और हमारा पूरी तरह से होता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है, महंगा मेथड है और बेहतरीन मेथड है फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर का। एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको नोट्स में लिखा दे रहा हूँ, उसको ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन और एग्जाम में आने वाला बहुत क्वेश्चन है, डी.फार्म भी कई बार आया है, कभी फार्मा भी कई बार आया है, ठीक है ना, समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्रिज ड्रायर, इसको पढ़ के खत्म करते हैं चैप्टर को, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मिक्सिंग नेक्स्ट सेक्शन में। तो फ्रिज ड्रायर क्या होता है, देखिए इसमें नाम से लग रहा है फ्रिज, फ्रिज में ठंडा करना, और हम जानते हैं किसी भी मटेरियल को अगर उसको सुखवाना है ड्राई करना है तो भैया सीधा से काम है गर्म कर दो, गर्म कर दोगे सारा मॉइस्चर भाप बन के निकल जाएगा, लेकिन ये तो कुछ उल्टा ही काम कर रहा है। इसका मानना है कि यह फ्रीज कर दो, ठंडा कर दो। ठंडा करने से कैसे होगा इसको समझते हैं, इसको फ्रीज ड्रायर को एक और नाम से पूछता है एग्जाम में, लायोफिलाइजेशन, इसको ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी फ्रीज ड्रायर लायोफिलाइजेशन मेथड के नाम से पूछता है, अगर वो अक्सर कई बार पूछा गया। डी फार्मा तो लास्ट में क्वेश्चन ही आया था, डिस्कस बोल द लायोफिलाइजेशन मेथड ऑफ ड्राइंग, तो इसमें कंफ्यूज ना होना कि फ्रीज ड्रायर क्या है और लायोफिलाइजेशन क्या है, दोनों सेम वर्ड है, यहां लिखा है लायोफिलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे काम करता है, एक इसका प्रिंसिपल है सबलिमेशन। प्रिंसिपल क्या है सबलिमेशन का, आपको पता है कि ये सॉलिड है, कोई लिक्विड है और ये कोई क्या है गैस। आपको पता है जैसे आइस सॉलिड होता है, लिक्विड पानी है और गैस क्या वेपर, तो अगर आप बर्फ को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो क्या बनेगा लिक्विड, और लिक्विड गर्म करेंगे क्या बनेगा गैस, होता है ना, ठोस से द्रव, द्रव से गैस बनता है, ठीक है। तो ये आइस से क्या बन रहा है आपका वाटर, वाटर बन रहा है, वाटर से क्या बन रहा है वेपर बन रहा है। तो अब आपको पता है कि जब सॉलिड को गर्म करते हैं लिक्विड बनता है, इसे बोलते हैं मेल्टिंग, क्या बोलते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड को बंद कर दो, लिक्विड को बंद कर दो, लिक्विड से क्या बनता है गैस बनता है, ये कौन सा प्रोसेस है आपका क्या है बॉइलिंग, समझ में आ गया ना, लिक्विड से क्या बनता है गैस, क्या बनता है बॉइलिंग। अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो कि सॉलिड को गर्म करे और डायरेक्ट गैस बन जाए बिना लिक्विड में बदले, दिस इज कॉल्ड सबलिमेशन। पहले तो आपका सबलिमेशन का जानना बहुत ही जरूरी है, किसी भी सॉलिड को हम ऐसा करें कि वो डायरेक्ट गैस बन जाए लिक्विड ना बने, इसको क्या बोलते हैं सबलिमेशन। जैसे कपूर, कपूर जलाते हो तो लिक्विड बनता है क्या, टाइम क्या बन जाता है गैस, सॉलिड क्या बन गया गैस, सबलिमेशन। तो फ्रीज ड्रायर या लायोफिलाइजेशन मेथड किस पे बेस्ड है, ये सबलिमेशन पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है सबलिमेशन। तो इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल क्या है कि सबसे पहले जो हमारा मटेरियल है उस मटेरियल को हम 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे गर्म ठंडा करते हैं, ठीक है, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर ठंडा करते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा पानी है भाई मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर जब 0 डिग्री से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आइस बन जाएगा। भाई किसी मटेरियल के अंदर क्या भरा हुआ है पानी मॉइस्चर, और उसको हम जब 0 डिग्री से कम में रखेंगे तो क्या बन जाएगा आइस बन जाएगा। तो क्या होता है आइस बन जाता है और उस पार्टिकल के अंदर आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं। फिर सडन हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं, और इतना टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाते हैं कि वो आपका जो आइस था वो मेल्ट होकर लिक्विड ना बनने पाए, डायरेक्ट क्या बन जाए गैस, और जब डायरेक्ट गैस बनेगा तो मटेरियल को छोड़ के गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, मटेरियल हमारा पूरी तरह से ड्राई होगा। ये प्रिंसिपल है लायोफिलाइजेशन मेथड का या फ्रीज ड्राइंग। कंस्ट्रक्शन की बात करें, मैंने बताया कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी यूनिट होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक ड्राइंग चैम्बर होता है जिसके अंदर हमारे ट्रेस लगे होते हैं, ये डोर होता है, डोर ओपन करते हैं और सारे चैम्बर में ड्राई चैम्बर में ट्रे में मटेरियल को प्लेस कर देते हैं।
ठीक है, ये क्या होता है, ऊपर हाइड्रोस्टेटिक पिस्टन है जो प्रेशर मेंटेन करता है, और यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे हीट ट्रांसफर पाइप है जो हीट को गर्म हवा जो बैम रहती है इसको बाहर निकाल देता है, और यहाँ पे हम आइसोलेशन वॉल्व के साथ एक चैम्बर लगाते हैं जहाँ से रेफ्रिजरेंट अंदर डालते हैं और यहाँ से गैसेज बाहर निकलती है। ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग की बात करेगा तो वर्किंग पहले ड्रे मटेरियल लिया, तो वर्किंग क्या किया, हमने मटेरियल को लोड किया, लोड करने के बाद उसको स्टार्ट किया। अब क्या किया हमने, यहाँ से रेफ्रिजरेंट पास किया, रेफ्रिजरेंट पास करने के बाद इसको ठंडा किया। जब 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 ठंडा हो गया 0 डिग्री से नीचे चला गया तो सारे पार्टिकल्स जो है आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए मॉइस्चर, और सडन फिर हम यहाँ से आइसोलेशन वॉल से चेंज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, सडन प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो अब इसके जो मॉइस्चर कंटेंट है वो वेपर के फॉर्म में वेपर कन्वर्ट होकर सरफेस से पूरा क्या होगा बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो हमारा जो मटेरियल है ट्रे खोलेंगे और फिर से निकाल देंगे। तो लाइफलाइजेशन प्रोसेस की अगर हम पूरी बात करें तो इस प्रोसेस प्रोसेस को 5 स्टेप में डिवाइड किया गया है। इसकी वर्किंग को हम 5 स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप है प्री ट्रीटमेंट, प्री फ्रीजिंग, प्राइमरी ड्राइंग, सेकेंडरी ड्राइंग एंड फाइनल प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करेंगे प्री ट्रीटमेंट की। इसमें क्या होता है, जिस मटेरियल को हमको ड्राई करना है सबसे पहले उसको हम लेकर पूरी तरह से उसको साफ करेंगे, उसके उसको स्लैग बनाएंगे, उसको ड्राई करें, है ना, उसको मटेरियल पैकिंग से बाहर निकालना, भाई कोई मटेरियल है उसको डिब्बा से निकालना, ट्रे में डालना, उसको फैलाना, ये सारा जो कार्यक्रम है वो क्या है, प्री ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं इसको, प्री ट्रीटमेंट। उसके बाद प्री फ्रीजिंग। अब उसको कब प्लेस करने के बाद हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे 0 डिग्री से कम, उस कंडीशन को मेंटेन करना, दिस इज कॉल्ड प्री फ्रीजिंग। अगले टाइम में प्राइमरी ड्राइंग। अब जब टेम्परेचर 0 से कम हो गया तो सारे जो पार्टिकल के मॉइस्चर कंटेंट थे वो आइस के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में बन गए, इकट्ठा हो गए, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ड्राइंग। अब सेकेंडरी ड्राइंग क्या होता है, सडन जब टेम्परेचर और प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो सारे आइस पार्टिकल्स गैस बन के बाहर निकल जाएंगे, तो मटेरियल बन के हो जाएगा ड्राई, और इसके बाद क्या हमारा फाइनल। बस इसी को हमको दो लाइन इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, लिखना है, लिख लेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज, और ये हमारा था पूरा का पूरा फिनिश ड्रायर, और ये चैप्टर भी हमारा लगभग खत्म। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट मिक्सिंग, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।